आज मेरा बर्थडे था और बहुत सारे दोस्तों ने हमारे बधाइयाँ भी दी और बहुत सारे बड़े भाइयों ने छोटे भाइयों ने बधाइयाँ भी दी। तो अभी मैं लाइब्रेरी में सोच रहा था बैठे बैठे कि पैसे नहीं है मेरे पास, मैं बर्थडे कहाँ से मनाऊँ, पार्टी कैसे मनाऊँ उनको, मैं पार्टी कैसे दूँ, हर कोई दोस्त पार्टी मांग रहा है। तो लाइब्रेरी में अभी मेरे कोई नहीं बचा है दोस्त, देख सकते हैं हमारे पीछे सारी लाइब्रेरी खाली पड़ी है। अभी मैं जला देता हूँ, अपनी लाइब्रेरी भी दिखाता हूँ। तो पहले कुछ बातें कर लें कि दोस्त का बर्थडे वगैरह सब बड़े लोगों को चोचले होते हैं, हम मिडिल क्लास के लोग तो बस ऐसी ज़िंदगी जीते हैं। जब तक कुछ हम हासिल नहीं कर लेते हैं या अपने जीवन में कुछ अचीव नहीं कर लेते हैं, तो हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए भाई छोटी सी ज़रूरत होती है कि हम लोगों को नौकरी मिल जाए, उसके बाद ही सब कुछ होता है। तो हम भी सोच रहे थे कि कुछ कर लेंगे कुछ कर लेंगे, घर से 500 रुपये भी मिले आज, भाई जी ने 500 रुपये भी दिए थे। और आज मेरी लाइब्रेरी की फीस भी जमा करनी थी और उधर एक फॉर्म भी भराना था, उसके 500 रुपये लग रहे थे और 100 रुपये फॉर्म भराने वाले को भी देने पड़े, टोटल 600 रुपये देने पड़े। तो मुझे पहले 500 रुपये दिए भाई जी ने, तो बोले जाना कि कुछ खा भी लेना जाके दोस्तों के साथ। तो हमने सोचा अगर खा भी लेंगे तो फिर लाइब्रेरी की फीस और फॉर्म ऑनलाइन कहाँ से कराएंगे। तो हम जाके गए, फॉर्म ऑनलाइन कराया जाके, और 100 रुपये मेरे पास पहले से रखे थे तो कुछ 100 रुपये वो फॉर्म ऑनलाइन कराने वाले को दे दिए। दोस्त बहुत ज़िंदगी कठिन से गुजरती है, कभी कभी लोग कहते हैं ना कि पैसा बहुत कुछ नहीं होता है, पैसा मानते हैं बहुत कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे के बिना कुछ होता भी नहीं है। हर जगह आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और हमारे लाइब्रेरी में कुछ साथी भी थे तो वो बोल रहे थे भाई पार्टी दो पार्टी दो, तो मैंने उनसे कह दिया भाई, हमने कहा ठीक है दे देंगे पार्टी, 2-4 दिन बाद दे देंगे, अभी लाइब्रेरी की फ़ीस भी भरनी है। बस क्या कहना चाहूँ, और आपको लाइब्रेरी दिखा दूँ अपने कैसी हमारी लाइब्रेरी है। और लगभग अभी सब चले गए हैं और पुलिस के पेपर का कोई पता नहीं कब तक हो, पुलिस का पेपर और SSC GD के अभी रिजल्ट आया नहीं है। हमारे मार्क्स बन रहे हैं 117.6, और वैसे ऑनलाइन वेबसाइट जो होती हैं उनमें हमने अपनी आंसर की डाल के देखी तो विथ नॉर्मलाइजेशन से 2 में हमने देखी थी, तो उनमें 134 135 बन रहे थे नंबर। हमें लगता है इतने से होगा नहीं मेरा सलने इसमें, क्योंकि थोड़ा मैथ इसमें हमारी वीक रह गई थी। हिंदी में हमने 19 क्वेश्चन सही किए थे, मैथ में 15 क्वेश्चन सही किए थे और रीजनिंग में 15 क्वेश्चन सही थे, GS में हमारे 10 क्वेश्चन सही थे। तो काट पीट के ऐसे ही बने जाके हमारे 117.5 क्वेश्चन। तो हमें लगता नहीं है कि हमारा फाइनल सेक्शन इसमें हो पाएगा, तो इससे भी हमने उम्मीद तोड़ दी है। हमारा मेन टारगेट था UP पुलिस का, और उसको वो भी भर्ती पेपर लीक हो गया था तो पता नहीं कब। दोस्त ये जो वक्त होता है ना, समय, ये बहुत धीरे धीरे कटता है, मतलब ये सारी परेशानियां लेकर आता है, कहीं ये परेशानियां कहीं ये परेशानियां, कहीं घर की दिक्कत कहीं कुछ कहीं कुछ। अब क्या बताएं, सभी की लाइफ में होता है, मेरी लाइफ में दोस्त, सभी की लाइफ में, हर हर एक व्यक्ति के हर एक लड़के के जीवन में ये एक समस्याएं होती हैं, हर स्टूडेंट के जीवन में ये एक संघर्ष होता है, यही है कि कब सक्सेस हो कब कामयाब हो कब नौकरी लगे। कोई कुछ कर रहा है अपना बिजनेस, कोई कुछ कर रहा है, हमारे बहुत से लोग तो दोस्त जो हैं वो ड्यूटी करने लगे हैं, क्या करने बेचारे, नहीं पैसा है। हम भी सोच रहे थे कुछ करने लगे लेकिन
घरवाले नहीं माने, बोले पढ़ लो जब तक एज है उम्र है, बाद में यही सब करना है। बस इसी के सहारे आ गया था लाइब्रेरी में बैठे बैठे। मन भी नहीं लग रहा था, आज बर्थडे है, सोच रहा था मेरे पास भी पैसे होते, हम भी दोस्तों के साथ पार्टी करते, होटल जाते, बड़े बड़े सभी के साथ पिज्जा खाते। नहीं पैसे हैं तो बस दोस्त आप लोग भी कामयाब होइएगा, इसके बाद ही बर्थडे पार्टी वगैरह करिएगा और दिखा दें। लाइब्रेरी में मेरे कोई नहीं है, इसमें दिखा देता हूँ, मेरी लाइब्रेरी में इसमें कोई नहीं है। तो लाइटें जला लूँ अपनी लाइब्रेरी की। ये हमारी लाइब्रेरी है, सभी के सब चले गए हैं अभी और शायद करीब 9 बज रहे हैं, सारी सीटें चली गई और हमारी सीट ये है। ये हमारी सीट है, बैक कैमरा से दिखा देते हैं आपको। ये हमारी डेस्क जिसमें हम बैठते हैं। करीब हमें 4-5 महीने हो गए हैं पुलिस की जब फॉर्म आए तो उसके 2-3 महीने पहले से। ये अंकित भाटी की सामान्य बुक है और ये कांस्टेबल की प्रैक्टिस सेट ले आए थे। यही हमारी लाइब्रेरी है जिसमें दिन भर मटर गश्ती काटते रहते हैं। तो दोस्त वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके भाई साथी हैं इस संघर्ष से गुजर रहे हैं, उनको भी ये कहानी दिखा दीजिएगा। भाई सभी के साथ ऐसे ही होता है, कोई यहाँ पे अमीर लड़का नहीं तैयारी करता, यहाँ पे सब मिडिल क्लास के फैमिली के तैयारी करते हैं। क्या बताएं आपको, सभी जा रहे हैं, आज मन भी नहीं लग रहा है हमारा, जा रहे हैं अभी लाइब्रेरी में अकेले बैठे बैठे मन भी नहीं लगता है। चलिए दोस्तों।